राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी। किसी भी महापुरुष की सन्निधि का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको चार दोष त्यागने पड़ेंगे। कहीं भी चले जाओ तो आपको पूरा लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। पहला दोष चंचलता। चंचलता का अभाव यह किसी भी महापुरुष के निकट रहने वाले में चंचलता का अभाव होना चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग चंचल प्रकृति छिछला स्तर होता है, तो चंचल व्यक्ति बारंबार अमर्यादा करता है और अमर्यादा से अपराध बनते हैं, अपराध से फिर उनका पतन होता है, आध्यात्मिक विनाश होता है। पहला दोष है चंचलता। दूसरा दोष है अजितेंद्रियता, अपने मन बुद्धि अपनी इंद्रियों पर निग्रह न होना, ये दूसरा दोष है। चंचलता का अभाव पहला गुण, दूसरा जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का अर्थ ये नहीं कि हम देखें आंखें देखें सुने नहीं, नहीं, जो देखना योग्य हो उसे देखें, जो सुनने योग्य हो उसको सुने, जो कहने योग्य हो उसको कहें, जो करने योग्य हो उसको करें, जो सोचने योग्य हो उसको सोचें। शास्त्र नियंत्रित पदार्थों का उपभोग उपयोग, यह जितेंद्रियता है। तीसरा दोष जो लाभ नहीं होने देता महापुरुषों का, अनुवर्तन का अभाव। अनुवर्तन जानते हैं? नहीं जानते हैं। कोई व्याकरण का विद्यार्थी बैठा है इनमें? अरे सूत्रों में अनुवर्तन होता कैसे होता है? हाँ, पूर्व सूत्र से और उसके नीचे वाले सूत्र में वो आ जाता है, उसको अनुवर्तन कहते हैं। ऐसे ही यदि हृदय से महापुरुष का आनुगत्य होगा तो उस महापुरुष के सारे लक्षण उसके निकट रहने वाले में आ जाएंगे, सारे लक्षण। और अनुवर्तन का अभाव होगा तो निकट नहीं, चिपक के रहे 24 घंटे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। हम महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते कहां हैं? हम तो सीधे ही महापुरुष की नकल करते हैं, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, कैसे माला पहनते हैं, ये नकल हम करते हैं। कैसे चेला बनाते हैं, कैसे पैर धुलाते हैं, कैसे आरती करवाते हैं, वो करवाते हैं कि होती है कि करते हैं तो राम जी जाने, लेकिन हम तो वही देखते हैं और वैसा ही बनना चाहते हैं। जो अनुवर्तन करेगा वो जीवन में कभी अपने आप को स्थापित ही नहीं करेगा। आज सबसे बड़ी समस्या है हर व्यक्ति अपने आप को स्थापित करने में लगा है। हम कभी स्थापित नहीं होंगे। हरि गुरु संत इनकी महिमा को हम संसार में स्थापित करने का बीड़ा उठाएंगे तो हम कभी विस्थापित नहीं होंगे, हम सदा स्थापित रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक वाक्य मैंने कहा था आपको, आपसे किसके सामने कहा था कि कोई व्यक्ति छत्र लेकर खड़ा होता है तो जिसके ऊपर छत्र उसने लगाया है
उसका सिर तो छत्र के नीचे जाता ही है, पर छत्र हाथ में लेता है उसका सिर छत्र के नीचे पहले आ जाता है। आप अपने गुरुजनों को स्थापित करेंगे, अपने को स्थापित नहीं करेंगे तो आप अपने आप स्थापित हो जाएंगे। क्या लिखा है? ईश्वराणाम बचः सत्यम तथैवा चरितं क्वचित। क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या है? ईश्वराणाम बचः सत्यम तथैवा चरितं क्वचित। ईश्वर माने होता अपने से बड़े पूज्य, वे जो कहते हैं उसको मानो। तथैवा चरितं क्वचित, क्वचित का अर्थ है किसी किसी आचरण को भी प्रमाण मानो, उनके सवाचरण प्रमाण नहीं है। वे जो कहते हैं सो करो, वह जो करते हैं वह मत करो। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, पंडित जी समय हो गया संध्या करो। अब हम कह देते महाराज जी से, महाराज जी आप तो कभी आसन पुस्तक माला लेके बैठे दिखाई नहीं पड़ते हैं, नहाए स्नान किए और जल से ही तिलक कर लिया और तुलसी जी में थोड़ा जल चढ़ा, थोड़ा ऐसे ऐसे पानी छीटा, रसोई बनाने में लग गए। तिलक भी सब पा लेते हैं तब बाद में तिलक लगाते हैं। आप तो कभी नित नियम के नाम से घंटा भर भी बैठते नहीं, हमको कहते नहीं नित नियम करो, तिलक करो, संध्या करो। तो यह उचित था क्या? नहीं। उनकी 2400 घंटे संध्या है, उनका 2400 घंटे भजन है, वो तो भगवान है, वे जो आज्ञा कर रहे हैं वो हमें मानना है। अनुवर्तन का अभाव, तीसरा दोष क्या है? अनुवर्तन का अभाव। चौथा दोष बहुभाषण। क्या? बहुत ज्यादा बोलना। ये चार दोष जिसमें होंगे वो कभी किसी भी महापुरुष के पास रह जाए उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। चंचलता, अजितेंद्रियता, अनुवर्तन का अभाव और चौथा बहुत बोलना, फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। और ये दोष नहीं होंगे तो पास रह के नहीं, दूर से दूर रहकर भी लाभ हो जाएगा। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।